कहा जाता है चारों धाम की यात्रा से सारे पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चारों धाम की यात्रा करना इसलिए आसान नहीं है, भक्तों की इसी आस्था का ख्याल रखते हुए रीवा रियासत के तत्कालीन महाराज ने रीवा में ही चारों धाम का निर्माण कराया था। यहाँ चारों धाम के देवता विराजमान हैं जो भक्तों का बेड़ा पार लगाते हैं। आइए चलते हैं चारों धाम। ये है रीवा शहर के बीचों बीच स्थित लक्ष्मण बाग। यहाँ मौजूद है गरीबों का चारों धाम, यानी कि चारों धाम के देवी देवता और पवित्र नदियों का पवित्र जल। द्वारकापुरी गुजरात के द्वारकाधीश, बद्रीनाथ उत्तराखंड, जगन्नाथपुरी पुरी ओडिशा, रामेश्वरम देश की चारों दिशाओं में स्थित धाम के तीर्थस्थलों का निर्माण लक्ष्मण बाग में बनाया गया और विधिवत इनकी पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि रीवा रियासत के तत्कालीन महाराज वेंकट रमन सिंह धार्मिक थे। एक बार जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए पुरी उड़ीसा गए, लेकिन यहाँ महाराज के भगवान के दर्शन प्राप्त न हो पाए और उन्हें लौटना पड़ा। मंदिर के पुजारी के अनुसार महाराज फिर आम आदमी बनकर गए और दर्शन प्राप्त कर लौटे। इसके बाद उन्होंने मंदिर निर्माण की पहल की। पंडित जी, ये बताइए ये मंदिर की स्थापना कब हुई, इसका ऐतिहासिक रूप से क्या महत्व है? ये महाराजा रघुराज सिंह इसकी स्थापना किए हैं, शायद 1850 में इसकी स्थापना हुई है। महाराजा रघुराज सिंह गए थे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी गए तो राजसी ठाट में गए, तो राजसी ठाट के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने उनको दर्शन नहीं दिया। जब वो दीन बने वहाँ पे और उनकी स्तुति किए तो उनको दर्शन हुआ। दर्शन हुआ तो उनकी अटूट श्रद्धा भगवान जगन्नाथ से हो गई। जब श्रद्धा हो गई तो उन्होंने चाहा कि अब अपने राज्य की जनता और हम भी भगवान का प्रायः नित्य दर्शन करें, तो उसके लिए उनको जगन्नाथ को यहाँ लाने की सोचे। तो वहाँ हर 12 वर्ष में वहाँ का जो विग्रह है बदला जाता है, तो जो बदली हुई मूर्तियाँ हैं उसको लाने के लिए आग्रह किए राजा से वहाँ के, तो इत्तेफाक से उनको मिल भी गई और यहाँ वो मंदिर बनवा के और लक्ष्मण बाग में उसकी स्थापना की है। लक्ष्मण बाग में चारों धाम के तीर्थस्थलों के देवता विराजमान हैं, विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है। इन दिनों भगवान पूरे सृष्टि में बीमार चल रहे हैं और इसी मान्यता के चलते कृष्ण भगवान का इस मंदिर में इलाज चल रहा है। सुनने में यह आश्चर्य लगता है भगवान बीमार हैं, पर यही मान्यता है। दरअसल मान्यता के अनुसार एक माह तक भगवान बीमार रहते हैं और उसके बाद जगन्नाथ जी की यात्रा बड़े धूमधाम के साथ निकाली जाती है। मंदिर के पुजारी ने इस बारे में बताया। भगवान के पास चूँकि प्रायः वहाँ उड़ीसा में पुरी में ही तो उनका प्रादुर्भाव हुआ है, अब पुरी में उमस भरी गर्मी इस मौसम में ज़्यादा रहती है जब तक बरसात नहीं हो जाती। उस मौसम के कारण लोगों को आना जाना और भीड़ भाड़, तो उनको लू का एक संक्रमण हो गया, लू लग गई। तो अब अपने उसी में मंदिर में निवास करने लगे और फिर ये हुआ कि वैद्यों को भी बुलाया जाए इनकी दवाई हो। वैद्य आए, वहाँ औषधियाँ नाना प्रकार की दी जाने लगी और 15 दिन तक इस प्रकार से कार्यक्रम चला। 15 दिन बाद वो स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने के बाद ये हुआ कि पुनः वही दशा होगी, फिर पब्लिक आएगी देखने के लिए, तांता लग जाएगा, तो हम ही चलते हैं भाई जनता के पास। पब्लिक भी अपने द्वार में हमको देखेगी, ज़्यादा प्रसन्न होगी। राजा का हमारा कर्तव्य भी यही है कि पब्लिक खुश रहे। तो भगवान अपनी रथ यात्रा में निकल गए। आज भी पुरी में 15 दिन की रथ यात्रा रहती है, अभी से शुरू होगी, दिनांक 14 को इस साल पड़ रही द्वितीया से शुरू होके और वही पूर्णिमा तक उनकी रथ यात्रा वापस आएगी। लक्ष्मण बाग में चारों धाम के साथ है पवित्र नदियों का पवित्र जल भी संग्रह किया गया है, ताकि यह जल भक्त आसानी से प्राप्त कर भगवान का जलाभिषेक कर सकें। महाराज की इस पहल से विंध्य क्षेत्र के गरीब, निर्धन और असहाय भक्त लक्ष्मण बाग में चारों धाम के दर्शन कर मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। रीवा दर्शन की अपील है कि आप भी मौका निकालकर इस तीर्थस्थल में भगवान के दर्शन जरूर करिए।